एसटीएससी बिल संशोधन के विरोध में आज विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। सीएम सिटी में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। गोलघर में कुछ दुकानदार अपनी दुकानें सुरक्षा से बंद किए तो कुछ दुकानदार आधा शटर गिराकर दुकान के अंदर बैठे रहे। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद नहीं किए थे उनको प्रदर्शनकारियों का विरोध भी झेलना पड़ा। दोपहर तक गोलघर के कुछ प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप बंद रहे, लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे पेट्रोल पंप और दुकानें खुल गईं। सड़कों पर यातायात सामान्य रहा और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किया गया था। प्रमुख सड़कों पर आला अधिकारी अपने दल बल के साथ निरीक्षण करते रहे। बंद के दौरान कुछ दुकानदारों ने बंदी को सही लेकिन जबरन दुकान बंद किए जाने को गलत बताया। एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि बंदी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए व्यापारी स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने और एसएसपी शलभ माथुर ने कहा, जिंदाबाद।
जयप्रकाश मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के। हमारी मांग है केंद्र सरकार एससी एसटी कानून जो लाई है उसको वापस ले और सुप्रीम कोर्ट ने इसके व्यापक रूप से दुरुपयोग का जो मामला अपने संज्ञान में लेकर के इसमें संशोधन किया था उस संशोधन को बहाल करे और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान करे, ये हमारी मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि किन्हीं कारणों से यदि आप इसे वापस नहीं लेते हैं तो दो प्राविधान इसमें जोड़ दीजिए। एक प्राविधान तो ये कि अगर शिकायत जांच में गलत पाई जाती है तो गलत शिकायतकर्ता के ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाए और उससे जुर्माना वसूला जाए तथा गलत शिकायत के आधार पर जो निर्दोष व्यक्ति जेल काटा उसको क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपए न्यूनतम दिए जाएं। ये इस मांग को लेकर के हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया भारत बंद का आह्वान की है जिसके अंतर्गत गोरखपुर शहर को बंद कराया जा रहा है, इसीलिए हम लोग निकले। जो अध्यादेश अगर एकजुट होके सारे युवा केंद्र सरकार के खिलाफ जिस दिन रोड पे अध्यादेश ला देंगे भारत छोड़ने का, किसी भी राजनेता के अंदर हैसियत नहीं है कि अगर युवा एकता रोड पे उतर गया तो उनको शांत करा सके। ये दुकान, क्या नाम है आपका? राम गोपाल वर्मा। दिलीप भैया, दुकान हमारी बगल में है। आपने नहीं खुल नहीं, हम तो समर्थन आप कर ही रहे हैं लेकिन जो ये बंदी जिस प्रकार कराया जा रहा है ये गलत है। आप जबरदस्ती किसी को प्रेशर दे के बंद नहीं करा सकते हैं, आदमी अपने स्वेच्छा से बंद करे वो ज़्यादा बेस्ट है। बंदी का समर्थन है लेकिन इस तरह की बंदी का समर्थन नहीं है, जबरदस्ती। हाँ, जो भी सुरक्षात्मक बंदी होनी चाहिए, इस तरह का अभद्र व्यवहार करके बंद नहीं करना चाहिए। दिनेश चंद पांडे मेरा नाम है और मैं इस दुकान में काम करता हूँ एज ए मैनेजर, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। बंदी है आज? हाँ, आज यहाँ पे गोरखपुर गोल घर में तो बंद सफल है ये माना जा सकता है। बंदी का जो आह्वान किया गया है, हाँ, प्रशासन की क्या? प्रशासन मतलब ये है कि राउंड मार रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन एकदम नहीं है। पुलिस वाले आ रहे हैं, राउंड मार रहे हैं उनके साथ भी उनके बाद भी, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट पाए, इसके लिए वो लोग राउंड मार रहे हैं। दुकानदार अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद किए हैं या बंद करवाया गया है? नहीं, दुकानदार अपनी स्वेच्छा से बंद ही नहीं करते हैं, वो तो मतलब बाई प्रेशर ही वो लोग बंद किए हैं। दुकानदार कोई भी है अपनी स्वेच्छा से अपनी रोजगार को तो बंद करेगा नहीं। उत्तर प्रदेश और व्यापारी संगठन ब्राह्मण एकता परिषद और तमाम संगठन के द्वारा हम लोग संयुक्त रूप से एससी एसटी बिल और प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ संगठित होकर भारत बंद के आह्वान पर हम लोगों ने गोरखपुर को पूर्ण रूप से बंद कराने का सफल प्रयास किया है और गोरखपुर को हम लोगों ने बंद करवाया है। और मोदी साहब ने जो ये काला कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ला करके देश की 80% आबादी को कुचलने का, दमन करने का काम किया है। अभी तक पूरी तरह चीज़ें यहाँ पर जनपद गोरखपुर में शांतिपूर्ण है, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना रिपोर्ट नहीं हुई है और लगातार जो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं राउंड में हैं, सुबह से ही अलर्ट था, रात में भी भोर गश्त निकाली गई थी और अभी भी हमारी पूरी पुलिस टीम जिले के अंदर अलर्ट है, भ्रमणशील है, कहीं से भी कोई अप्रिय सूचना की बात नहीं है। जहाँ पर भी कोई सूचना आई थी तत्काल वहाँ पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रित किया गया है और अभी भी जैसा मैंने बताया हम लोग भ्रमणशील हैं, देर रात तक हम लोग भ्रमणशील रहेंगे।